हाय, प्लेसमेंट सीजन में अब सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, तो ऐसे में मुझे काफी डाउट्स आ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से लिस्ट फॉलो करनी है, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और मोर इम्पोर्टेंटली कैसे करना है। इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूं कि इन 2 महीने में आप अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें मैं सब कवर करूंगा कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कहां से कवर करने हैं और कैसे करने हैं। तो मेक श्योर यू स्टिक अंटिल द एंड टू नो योर कंप्लीट स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम सीमांत अग्रवाल, करंटली अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। आई एम होल्डिंग ऑफर्स फ्रॉम Amazon Dublin, Booking.com Amsterdam, Sprinklr, D-Shaw, Myntra एंड मेनी मोर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताता हूं कि क्या क्या चीजें कवर करना जरूरी है। सबसे पहले DSA, कुछ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, देन देयर आर प्रोजेक्ट्स और फिर HR क्वेश्चंस। इन सब के बारे में अभी बारी बारी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कैसे उन्हें करना है। तो पहले मैं बात करता हूं अगर DSA की, इसमें चाहे कोडिंग टेस्ट की बात हो चाहे इंटरव्यूज की बात हो, 60% ऑफ एंटायर प्रोसेस इज ओनली कोडिंग, तो और वो सारा DSA पे बेस्ड रहेगा। तो मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता देता हूं। ग्राफ, DP, सेगमेंट ट्रीज, मैप्स, प्रायोरिटी क्यूज, रिकर्शन, स्टैक्स एंड क्यूज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आजकल थोड़ा कम पूछा जाता है, बट वो ग्राफ वगैरह में यूज होता है, तो उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें से भी स्टैक की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है और क्यू की थोड़ी कम है। तो ये हो गए मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़े जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हो गए लिंक लिस्ट, बैक ट्रैकिंग, बिट मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। क्यों इनको मैंने लेस इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि कंपनीज लाइक स्प्रिंकलर एंड TRC दे डेफिनेटली चेक टॉपिक्स लाइक बिट मैनिपुलेशन, पर क्या ये मेन स्ट्रीम कंपनीज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज है वो चेक करती है? नहीं। तो मैं ये जो लिस्ट दे रहा हूं ये उसके अकॉर्डिंग है कि जो आपके लगभग सारी कंपनीज को कवर करेगा। कुछ डेफिनेटली कंपनी स्पेसिफिक टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स मैं पिछली वीडियोस में कवर भी कर चुका हूं, वो भी देख सकते हैं। सो DSA को कैसे कवर करें और क्या क्या लिस्ट करें? अगर आप अपने थर्ड ईयर में हैं तो आपने अभी तक DSA डेफिनेटली शुरू कर दिया होगा, और अगर आपने शुरू कर दिया तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 500-600 क्वेश्चन आपने करे हुए होंगे। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा विजिट करिए, क्योंकि इट डजंट मैटर अगर आपने 1000 क्वेश्चंस करे हुए, अगर आप उन्हें इंटरव्यू में या कोडिंग राउंड में दोबारा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत दिक्कत आएगी, और पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनको रिवाइज करके रखें ताकि आप उनको जल्दी से सॉल्व कर सकें। इसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है कि वो जो आपकी लिस्ट है उसमें से आप कुछ एवरी 7th या 8th क्वेश्चन उठा के उसे सॉल्व कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस को बस रीड कर लीजिए, उनका एल्गोरिथम समझ लीजिए, उनका फ्लो समझ लीजिए, वो ही काफी होगा। इससे आपकी कोडिंग हैबिट भी बन जाएगी और सारे क्वेश्चंस रिवाइज भी हो जाएंगे। रूल ऑफ थंब, अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 हफ्ते में 100 क्वेश्चंस कोड करने हैं इस लिस्ट में से। सो दैट्स इट, यही आपका मेन स्ट्रेटजी रहेगी। पहले आपने ये कर लिया, उसके बाद किसी लिस्ट पे मूव ऑन करिए। उसके बाद आप देखिए कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, क्या क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पहले दोबारा करिए, उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए और उन पे कुछ और प्रैक्टिस करिए। फिर अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप नोटिस करिए लीड कोड पे बॉटम लेफ्ट पे सिमिलर क्वेश्चन नाम का टैब होता है। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, फिर उसके सिमिलर क्वेश्चंस कर लिए, इससे आपका क्वेश्चन लिस्ट भी बढ़ गई, आप उनको उन पुराने क्वेश्चंस को नए क्वेश्चंस पे रिलेट भी कर पाए और आपकी कोडिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लीड कोड नहीं भी यूज करते हैं तो इस तरह के टैग्स आपको दूसरी साइट पे मिल जाएंगे, वरना आप वो क्वेश्चन एज इट इज डालिए और आप Geeks4Geeks पे उसको सर्च करिए और वहां पे आपको नीचे सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर कॉन्टेस्ट दीजिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में मुश्किल क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। आप लीड कोड पे 1 घंटा लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और प्रेशर नहीं होता तो वो 1 घंटे में हो भी जाता है, पर क्या पता कोडिंग इंटरव्यू में इतना प्रेशर हो कि आप वो 1 घंटे में नहीं 1.5 घंटे में कर रहे हो। तो कॉन्टेस्ट दीजिए, उससे टाइम बाउंड प्रैक्टिस की आदत बनेगी और आपका एंजाइटी रिलीज होगा ड्यूरिंग द एक्चुअल कोडिंग राउंड। एक बार आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो अब कौन सी लिस्ट करनी चाहिए? ऐसा कोई बेस्ट लिस्ट नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लिस्ट दैट आई सी उसमें सारे टॉपिक्स कवर भी नहीं होते। आप कोई भी एक लिस्ट उठा लीजिए जिसमें जो मैंने टॉपिक्स मेंशन करे थे वो सारे कवर हो रहे हो, उस लिस्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। मेरे को पर्सनली पेप कोडिंग की एक लिस्ट काफी अच्छी लगती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे ही टॉपिक कवर हैं। एक GFG की भी लिस्ट है, मस्ट डू क्वेश्चंस फॉर कंपनीज लाइक फैंग, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी लिस्ट है, बट उसमें थोड़े ट्रिवियल क्वेश्चन, थोड़े आसान क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं पेप कोडिंग की लिस्ट को स्टिल थोड़ा बेटर मानता हूँ। और एक चीज और, इंटरव्यू बिट तो पूरा सॉल्व होना ही चाहिए। मैं काफी बार देखता हूँ काफी क्वेश्चन कंपनी के टेस्ट में इंटरव्यू बिट से एज इट इज आ जाते हैं या छोटा मोटा चेंज होता है, तो इंटरव्यू बिट पूरा सॉल्व करना जरूरी है, तो उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। और अगर मैंने कोई लिस्ट मिस कर दी है या आपको कोई पसंद है तो मेक श्योर आप उन्हें कमेंट में मुझे सजेस्ट कर दें। अगर आप एक बिगिनर हैं जिसके पास अभी कोई लिस्ट नहीं है तब क्या करें?
वेल, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि जीएफजी की एक मस्ट डू क्वेश्चन वाली लिस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि उसमें ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं, थोड़े आसान क्वेश्चन हैं और टॉपिक फिर भी काफी कवर हो रहे हैं। तो आप उस लिस्ट से स्टार्ट करिए, उसमें लगभग 300-350 क्वेश्चन है जो एक से डेढ़ महीने में आपको कवर करने हैं। और अगर आपकी अभी आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपका टारगेट दो महीना नहीं है, आपका टारगेट थोड़ा लेट है, आप अगस्त में नहीं सेप्टेम्बर या अक्टूबर या नवंबर में प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अभी अपना पेस शुरू करेंगे लाना तो वो तब तक काफी अच्छा बन जाएगा और आपका काफी स्केल अप हो जाएगा। ये बात तो हो गई डीएसए की। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। पहले बता दूं क्या क्या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम डिजाइन, दोनों ही हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। उसमें से भी लो लेवल डिजाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसके तो प्रॉपर डेडिकेटेड राउंड्स हो रहे हैं। हाई लेवल डिजाइन में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऊप। ऊप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लो लेवल डिजाइन कहीं ना कहीं ऊप से ओवरलैप करता है, तो इसलिए ऊप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद ओएस और डीबीएमएस की बराबर इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये होते हैं इंपॉर्टेंट। ऊप, ओएस, डीबीएमएस को मैं काफी ऊपर मानता हूं कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिजाइन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊप, ओएस, डीबीएमएस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कोडिंग टेस्ट में भी, दैट इज एमसीक्यू वगैरह के फॉर्म में, और साथ ही साथ इंटरव्यूज में भी। कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत ही कम कंपनीज टेस्ट करती है अपने इंटरव्यूज में और बहुत ही कम कंपनीज अपने कोडिंग टेस्ट में भी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, उसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके कोडिंग टेस्ट में दिखेगा बट इंटरव्यूज में बहुत ही रेयर कभी दिखेगा, मोस्टली एमसीक्यूज तक ही सीमित रहेगा। तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर में आप करिए और दो हफ्ते लगा के ये सारे सब्जेक्ट आप आराम से कर सकते हैं। अब ये कहां से कैसे करना है? सबसे पहले सिस्टम डिजाइन मैं रिकमेंड करता हूं गौरव सेन का यूट्यूब चैनल, उसमें आप शुरू की 7-8 वीडियोस देख लीजिए तो आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा हाई लेवल डिजाइन का पार्ट। उसका लो लेवल डिजाइन के लिए आगे आप कोई भी 2 या 3 वीडियोस जिसमें उन्होंने एलिवेटर का एक्सप्लेन किया है या नेटफ्लिक्स का एक्सप्लेन किया है वो देख लीजिए, और अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ लीजिए थोड़ा अबाउट चेस, एलिवेटर डिजाइन और बुक लाइब्रेरी, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा लो लेवल डिजाइन पढ़ लीजिए। साथ ही साथ गीक्स टू गीक्स में नोट्स मिल जाएंगे तो वो भी अच्छे रिसोर्सेज हैं। ऊप, ओएस, डीबीएमएस के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ नॉलेज गेट और गेट स्मैशर्स का चैनल, वहां से वीडियोस देख के गीक्स फॉर गीक्स से लास्ट मिनट नोट्स पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके लिए आप कोई भी ऑनलाइन पीपीटी उठा लीजिए, आपको आराम से स्लाइड शेयर वगैरह भी मिल जाएगी और वो पीपीटी पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं टेस्ट होता, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इन पे। इन सब में आप लगभग 2 हफ्ते में, आप रोज 3-4 घंटा लगाते हैं तो आराम से 2 हफ्ते में आप ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। वीडियोस को आप 1.75 या 2x स्पीड पर देख के जल्दी जल्दी कवर करिए। प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंट काफी डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यूअर पे कि वो कितना डिस्कस करेगा कितना नहीं। एक ही प्रोजेक्ट काफी है, 3-4 प्रोजेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, एक प्रोजेक्ट करो, अच्छे से करो और वही काफी है। पर हाँ, उसको अच्छे से करना है। अगर मैं आपसे उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछूं, आपको सब पता होना चाहिए कि आपने कौन सा टेक्स्ट टैग यूज किया, क्यों यूज करा और कैसे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लगभग एक महीने में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर आप हर हफ्ते लगभग 12 घंटे उसमें डेडिकेट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 आवर्स के टाइमलाइन लगा के आराम से हो जाएगा ये। अगर तुमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लो उसके ऊपर कुछ टाइम लगा के। तो मेक श्योर अपना एक प्रोजेक्ट बना लो और अच्छे से उसको पढ़ लो। एचआर क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बट लोग काफी इग्नोर करते हैं क्योंकि कॉमेडियंस वगैरह ऐसे होते हैं ना कि एचआर तो ये सब होते हैं वैसे होते हैं, क्योंकि वो मजाक बन चुका है, बट एचआर क्वेश्चंस एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफी अपने फ्रेंड्स को देखा है जो एचआर राउंड में जाके रिजेक्ट हुए हैं। टाइम रिक्वायर्ड एक दिन में आप सारे एचआर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, एक दिन लगा लीजिए, उसमें आपको सारे एचआर क्वेश्चंस के आंसर्स करना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो एक दिन लगा लो, गीक्स और गीक से पढ़ना है, दैट इज दी ओनली एंड दी बेस्ट रिसोर्स फॉर इट। एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा, जब भी तुम किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू में बैठने वाले हो, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट आ गया, तो एक बार कंपनी के बारे में पढ़ लेना, उनकी प्रोफाइल पढ़ लेना कि क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उससे रिलेटेड होते हैं एचआर क्वेश्चंस। तो एक बार अगर तुम वो पढ़ लोगे तो उनसे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और तुम उन्हें आंसर करना सीख जाओगे। तो एक ही दिन में एचआर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बस अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखना है और बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी ऑनेस्ट, दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू, बी ऑनेस्ट इन एचआर राउंड्स। ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया, अब इसको एक थोड़ा समराइज कर लेके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ सकते हो रोज 1-2 घंटा लगा के वीकडेज पे। प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, 4-6 घंटा अगर तुम निकाल रहे हो तो ठीक है, वो भी वीकेंड्स में निकाल लो तो बहुत है, 4-6 घंटा निकालो तो वो वीकली 12 आवर वाली टाइमलाइन हिट हो जाएगी तुम्हारी, तो वो वीकेंड्स में निकाल लो आराम से। बाकी जो तुम्हारा सारा टाइम है वो डीएसए पे ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला डीएसए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएसए को इग्नोर मत करना। एचआर क्वेश्चंस की जहां तक बात है, जब तुम्हारी कंपनी पहली कंपनी आएगी ऑन कैंपस, उससे थोड़ा पहले
बता देते हैं कि कंपनी आ रही है, तब तुम बैठ के एचआर क्वेश्चन थोड़े पढ़ लो। मैं मानता हूं उस टाइम तुम्हें डीएसए रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी, बट जैसे तुम्हारे पास थोड़ा खाली टाइम है, खाना खाते हुए थोड़ा बहुत एचआर क्वेश्चन देख लिए, इस तरह से एचआर क्वेश्चन करोगे तो तुम आराम से उनको कवर कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस और, जनरली वीकडेज पे ट्राई करना कि तुम नए क्वेश्चंस करो या कॉन्सेप्ट सीखो, और वीकेंड्स पे उन सबको रिवाइज करो। अगर तुम साथ साथ सीख के उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, अदरवाइज वो तुम भूल जाओगे चीज़ों, कोई फायदा नहीं है। तो रेगुलर रिविजन जरूर करते रहना। तो मेक श्योर यू डू दिस, एंड इफ यू डू ऑल दिस यू विल बी रेडी फॉर योर प्लेसमेंट्स इन 2 months। सो आई होप यू लाइक दिस एडवाइस, एंड इफ यू डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू कमेंट योर डाउट्स, मैं डाउट्स डेफिनेटली लेता हूँ हमेशा, एंड शेयर करो अपने उन दोस्तों से जो अभी थोड़ा कन्फ्यूज है कि क्या करना है, और अपने किसी को भी जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहा है अभी प्लेसमेंट्स की, तो मेक श्योर यू डू दैट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, आई डू गिव रेगुलर एडवाइस देयर, मैं वहाँ पे काफी लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ, रीच आउट टू मी इन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, वेयरएवर यू लाइक। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट। बाय बाय।